हाय फ्रेंड्स, आज का जो समय है वहां पे फास्ट फूड सबको बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली बच्चों को। अलग अलग वैरायटी हमेशा बच्चे डिमांड करते रहते हैं और स्पेशली अभी तो वैकेशन आने वाला है तो बच्चों को रोज रोज कुछ नया नया चाहिए। पता है ये सब कुछ बनाना तो बहुत इजी है, पर उसमें टीडीएस जॉब अगर हम बात करें तो वो है कटिंग एंड चॉपिंग करना। कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो हमारा काम और इजी बना सकता है, वो है सुपर ट्राइसर। ये कैसे वर्क करता है आइए वो देखते हैं। तो यहाँ पे सुपर ट्राइसर में एक कंपनी ने कंटेनर दिया हुआ है ताकि आप जब भी कुछ भी कटिंग करते हो तो आप इसको फ्रीज में भी रख सकते हो, यानी कि एडवांस में जब आपके पास वक्त होता है आप प्लान भी कर सकते हो। दूसरा, नीचे कोई ऐसा थाली वगैरह नहीं रखना पड़ता है और इजीली आपका जो प्लेटफॉर्म है वो नीट एंड क्लीन रहता है। प्लस ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे कंटेनर आपने देख लिया, अभी ये दो पार्ट में बनाया गया है। इसी के साथ में तीन ब्लेड दिया जाता है, तो एक है कि जहां पे हमें बड़े पीसेस करने या फ्रेंच फ्राइज बनाना है उसके लिए यूज कर सकते हैं, ये स्मॉल डाइस बनाना है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, और ये स्लाइस के लिए काम आ सकता है। यहाँ पे इस एक पुशर दिया गया है जहां आपको अपने फिंगर को करना है और ये आसानी से ओपन हो जाता है। जब इसको लॉक करते हैं तो ये दोनों पार्ट में ऐड करना है, फिट करेंगे और उसके बाद इसको पुश करेंगे तो ये आपका पुशर रेडी हो जाता है। प्लस इसकी बेस्ट जो खासियत है वो है कि ये दोनों पार्ट को भी आप अलग कर सकते हो। यहाँ पे एक स्विच दिया गया है तो ये स्विच को जैसे ही आप नीचे की तरफ करते हो तो ये दोनों पार्ट अलग हो जाता है। तो जब आप इस यूज करने के बाद इसको क्लीन करना चाहते हो तो एक एक पार्ट यहाँ पे अलग हो जाता है, तो एकदम आप हाइजीन मेंटेन भी कर सकते हो। वापस इसको यूज करना है तो यहाँ पे ये स्विच को नीचे की तरफ रखना है तो ये हो गया अपना फिटिंग। फिर हमें पुशर को पहले फिट करना है तो ये जो दोनों पार्ट है यहाँ पे इसको अटैच कर दिया, इसको लॉक कर दिया। अभी मैं ऐसा कुछ कटिंग करना चाहती हूँ जो स्मॉल में करना है तो यहाँ पे ब्लेड रखना है, ब्लेड यहां से उठाना है, इसको इस तरह से नहीं रखना है। ये जो उठाने वाला पार्ट है वो ऑलवेज ऊपर आएगा और ये जो पार्ट है इसको इसके साथ मिला देना है, तो ये अंदर सेट कर दिया। उसके बाद ये लग गया, लगने के बाद इसको आप क्या करो लॉक कर दोगे तो ये लॉक हो गया। इसी के साथ साथ में एक ब्रश भी दिया गया है ताकि जब आप क्लीन करते हो और जो वेजिटेबल्स के पार्टिकल्स अंदर रह जाते हैं, अंदर के पार्टिकल्स को भी आप इजीली क्लीन कर सकते हो। इसी के साथ साथ में ब्लेड बहुत ज्यादा शार्प है तो जब आप क्लीन करना चाहते हो प्रॉपरली तो इस ब्रश को आप यूज कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो हैंडल है वो हैंडल इजीली पुश करने में काम आता है और अगर आप प्रेशर देना चाहते हो तो यहाँ आपके फिंगर्स फोर फिंगर्स है वो भी सेट हो जाता है, यानी कि एक बाजू आप यहाँ से उठा के प्रेस करने का काम करते हो तो ये जो प्रोडक्ट फिंगर है आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हो, तो इजीली आप कोई भी कटिंग करना है चीजों तो कर सकते हो। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि सबसे पहले अगर हमें अपने घर पे सलाद तैयार करना है तो वो कैसे वर्क करता है ये ब्लेड के साथ में हम देखते हैं। तो ये हमारा ककुम्बर तैयार हो गया, ये पीसेस में हो गया। अभी सोचो कि अभी आम के सीजन चल रही है और हम आम का कुछ अचार बनाना चाहते हैं तो बराबर परफेक्टली इसमें आप आम को भी कटिंग कर सकते हो अचार बनाने के समय। अभी मैं दूसरा ब्लेड यानी कि थोड़ा सा हम बड़ा करना चाहते हैं तो ये ब्लेड को रिमूव करके देखते हैं कि हमारा बड़ा पीस परफेक्टली होता है कि नहीं, जो मैं दिखाऊंगी आपको फ्रेंच फ्राइज, जिसके लिए हमें आलू की जरूरत होती है। और हम देखते हैं हमारा फ्रेंच फ्राइज हो रहा है कि नहीं, है ना इजी। सो हम अपने घर पे जब भी फ्रेंच फ्राइज भी बनाना चाहते हैं तो हम अपने
बच्चों को भी ये काम दे सकते हैं, राइट। तो ये हमारा फ्रेंच फ्राइज के लिए पोटैटोज रेडी हो गया। अभी बहुत लोग हमें ये पूछ रहे थे कि क्या इससे हम टमाटर कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि टमाटर भी यहाँ पे पीसेस में होता है कि नहीं। सो आप देखो हमारा टमाटर रेडी हो गया पीसेस करके। यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि हमें पिज्जा बनाना है, ठीक है, और पिज्जा बनाने के लिए हमें कुछ स्लाइसर की जरूरत होती है, तो हम ये वाला ब्लेड को यूज करेंगे। इसको यहाँ पे मैंने सेट कर लिया, सेट करने के बाद मैंने इसको लॉक कर दिया और अभी हम देखते हैं कि हमारा ऑनियन परफेक्टली हो रहा है कि इजी है। ये हमारा ऑनियन रेडी हो गया और अभी हम देखते हैं कि ये ऑनियन हमारा कैसा होता है। शिमला मिर्च, सो हमारा पिज्जा का भी साथ ही साथ में रेडी हो रहा है। सलाद भी हो रही है, पिज्जा भी हो रहा है और कभी कभी हम अपने घर पे पास्ता बनाते हैं और जब पास्ता बनाते हैं तो हमें जरूरत होती है गाजर जैसे चीजें को करना, तो हम देखते हैं कि गाजर सबसे हार्ड होता है, क्या इजीली हो रहा है कि। आप देख रहे हो मेरा गाजर भी कट करके रेडी हो गया। तो जितने भी चीज आप बनाना चाहोगे आप इसे बना सकते हैं। और अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि क्या हम अपना मेथी और धनिया पत्ती जैसा चीज है उसको कट कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये ब्लेड ले रही हूँ और इसको मैं लॉक कर रही हूँ और हम देखते हैं कि हमारा सलाड में रखने के लिए या फिर वेजिटेबल्स में गार्निशिंग करने के लिए हमें धनिया की जरूरत होती है। तो देखते हैं कि धनिया हो रहा है कि नहीं। सो गार्निशिंग के लिए हमारा धनिया भी रेडी हो गया है जो आप, और जब हम कुछ पाव भाजी वगैरह बनाते हैं तो हमें जरूरत होती है कि लेमन को पीसेस में करना, और आपको पता है कि लेमन अगर हम पीसेस में करना चाहते हैं तो हम ये ब्लेड यूज करेंगे और एक ही लेमन के काफी सारे पीसेस हम रेडी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि लेमन कट होता है कि नहीं, राइट। तो ये हमारे पीसेस में रेडी हो गया। सो आप देख रहे हो हमारा लेमन भी रेडी हो रहा है। सो हुआ ना कि ये वैकेशन में बच्चे अगर कुछ भी डिमांड करे और हमारे पास टपरवेयर कंपनी ने जो न्यूली लॉन्च किया है ये अगर सुपर डाइसर हम सबके पास रहेगा तो हम वैकेशन के टाइम पे बच्चों की हमेशा फास्ट फूड की नीड को कंप्लीट कर पाएंगे। और बताइए जो हमारा प्रोडक्ट है वो टपरवेयर ब्रांडेड गिफ्ट बॉक्स के साथ में आता है, तो ये सीजन में आप अगर प्लान कर रहे हो किसी को गिफ्ट करना, किसी की शादी हो रही है या किसी का हाउस वार्मिंग हो रहा है तो आप उनके लिए भी ऑर्डर कर सकते हो, उनकी लाइफ भी इजी बना सकते हो अपने लाइफ के साथ साथ में, तो आप गिफ्टिंग के लिए भी इसको परचेस कर सकते हो। तो आपको कैसा लगा ये? अगर ये मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो जल्द से जल्द अपने नियर बाय कंसल्टेंट मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए और अभी ही ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट अपने लिए ऑर्डर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।